मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ, जैसे दूसरे लोग होते हैं ना वैसा नहीं हूँ मैं। ऐसे में कभी कभी बोलना पड़ता है ना, हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट लाइक अदर पीपल। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दोस्तों देखते हैं आज के कुछ सेंटेंसेस जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, उन सभी का ट्रांसलेशन देखेंगे हम। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अदर पीपल की जगह पर आप अदर्स भी बोल सकते हैं। या तो आप कहें अदर पीपल या तो आप सिर्फ कहें अदर्स। आई एम नॉट लाइक अदर्स, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक अदर पीपल, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ। वो कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है। होते ना ऐसे ऐसे लोग, कोई कोई हमेशा कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते। वो कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है, तो इससे हम कहेंगे ही कीप्स ड्रॉपिंग थिंग्स। तो थिंग्स मतलब चीजें, यानी कि कोई भी चीजें। ही कीप्स ड्रॉपिंग, ड्रॉप मतलब गिरा देना होता है। ही कीप्स ड्रॉपिंग थिंग्स यानी वो चीजों को गिराता रहता है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो यार, सच में मुझे लग रहा है तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है। हम इसे कह सकते हैं यू आर श्योरली हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। You are surely hiding something from me. तो surely का मतलब होता है जरूर। किसी चीज पर ना जब आपकी श्योरिटी है, आपको बहुत लग रहा है कि हाँ जरूर ऐसा हुआ होगा, तब आप कह सकते हैं यू आर श्योरली हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हाइड में आई एन जी आया है। यू आर श्योरली हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। उसे ज्यादा छूट मत दो, मतलब होता है ज्यादा आजादी मत दो इसे, इतनी आजादी मत दो, इतनी छूट मत दो। हम कह सकते हैं डोंट गिव टू मच फ्रीडम। Don't give him too much freedom. So too much freedom का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आज़ादी। जहाँ पर भी दोस्तों ये TOO आ जाए ना, तो आप समझ जा रहे हैं नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, यानी कि कोई चीज़ इतनी है जितनी नहीं होनी चाहिए। Don't give him too much freedom, यानी बहुत ज़्यादा freedom उसे मत दो। कितने बदतमीज़ हो तुम, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे How rude of you. जनरली आप ऐसी बातें सुनते हैं ना कभी कभी, जैसे आप किसी की हेल्प कर देते हो तो क्या कहते हैं, वाओ हाउ नाइस ऑफ यू, कि आप कितने नाइस हैं। तो जैसे ये बोला जाता है ना हाउ नाइस ऑफ यू, यानी कि तुम कितने अच्छे हो, वैसे हम कह सकते हैं हाउ रूड ऑफ यू, तुम कितने बदतमीज हो। इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं। हमें हद से ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको हम लिमिट से ज़्यादा कर दें। हर चीज़ ना लिमिट में ही सही लगती है, लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो ना वो हार्मफुल ही होती है। वी शुड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट। बियॉन्ड द लिमिट का मतलब होता है लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, लिमिट के भी बाहर, लिमिट से भी ज़्यादा। वी शुड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि लिमिट से भी ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ वो ही मेरी तारीफ करता है और तो कोई नहीं करता। ही इज द ओनली वन हु प्रेजेस मी। प्रेज मतलब तारीफ करना होता है, एज अ वर्ब यहाँ पर ही यूज हो रहा है। ही इज द ओनली वन यानी वही एक ऐसा है हु जो कि प्रेजेस मी, जो मुझे प्रेज करता है। यहाँ पर प्रेज में एस आप देख रहे होंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसलिए इसमें वर्ब में एस या फिर ईएस आता है, हेंस ये यहाँ पर आ रहा है। हु प्रेजेस मी, जो मेरी तारीफ करता है वही है ऐसा। तेरी गलती तो कभी होती नहीं है, जैसे कोई कोई हमेशा कहते हैं ना मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तो हम कह देते हैं अच्छा तेरी गलती तो कभी होती नहीं है। इट इज नेवर योर फॉल्ट। सो इट इज नेवर योर फॉल्ट यानी कि तेरी गलती तो कभी होती ही नहीं है। कुछ चीजें ना ही कही जाए ना तो बेहतर है, कुछ चीजों का ना कहा जाना ही बेहतर है, सही रहेगा। सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनसेड। अभी फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लीव मतलब छोड़ देना होता है और लीव की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर ये बेटर लेफ्ट अनसेड। लेफ्ट अनसेड का मतलब होता है अनसेड मतलब से मतलब कहना, और अनसे मतलब उसका ऑपोजिट बन रहा है। अनसेड मतलब जिसको नहीं कहा गया। समथिंग दैट इज लेफ्ट अनसेड इसका मतलब है उसको नहीं कहा गया। सम थिंग्स आर बेटर यानी कुछ चीज़ें बेटर हैं व्हेन लेफ्ट अनसेड, जब उन्हें अनसेड ही छोड़ दिया जाए, यानी बिना कहे ही छोड़ दिया जाए, यानी कि कुछ चीज़ें ना ही कही जाए तो बेहतर है। आओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ, ऐसे हम बोलते हैं। हम कहेंगे कम एंड सिट। अब देखिए नियर मी, बाय मी, बिसाइड मी, नेक्स्ट मी, क्या आपको पता है इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सबका एक ही मीनिंग बन रहा है, यानी कि आओ और मेरे पास बैठ जाओ। मेरे पास यानी कि नियर मी, बाय मी का भी मतलब होता है मेरे पास, मेरे नजदीक, बिसाइड मी मेरे बगल में, नेक्स्ट टू मी का भी मतलब मेरे बगल में। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब यही बनता है आओ और मेरे पास आकर बैठो। बेचारा राहुल, अब वो क्या करेगा। हम कभी कभी किसी के प्रति ऐसे दिखाते हैं ना, अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपथी दिखाते हैं, तो हम कहेंगे पुअर राहुल, व्हाट विल ही डू नाउ। तो आपने अक्सर देखा होगा पुअर का मतलब तो गरीब होता है यार, लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा कि जैसे जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पुअर बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये है
कितना गरीब है यार, 100 में से 2 नंबर आए हैं, तो 100 में से 2 नंबर आने वाला गरीब नहीं होता। पुअर का मतलब वहां पर है घटिया नंबर है, बहुत बेकार नंबर है, और यहाँ पर पुअर का मतलब है बेचारा राहुल, यानी कि आपको ना उस पर दया आ रही है, यू फील पिटी फॉर हिम, पुअर राहुल। और पुअर का मतलब गरीब भी होता है, यानी कि इंग्लिश में ना बहुत से वर्ड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, उनका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है पुअर राहुल, यानी कि बेचारा राहुल, व्हाट विल ही डू नाउ, अब वो क्या करेगा। अपने बेकार के चुटकुले बंद करो, कोई कोई फालतू के चुटकुले सुनाता रहता तो हम उसे ऐसा कहते हैं, स्टॉप योर यूजलेस जोक्स या फिर स्टॉप योर स्टूपिड जोक्स। सो अगर कुछ यूजलेस है मतलब कि वो फालतू का है, बेकार का है, बिना काम का है, स्टूपिड यानी बेवकूफी भरे, स्टूपिड जोक्स, स्टॉप योर स्टूपिड जोक्स, अपने बेकार के चुटकुले बंद करो। तुम्हें सारे बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द बैड विकेड पीपल। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऑब्लिक लगाया हुआ है क्योंकि बैड का मतलब भी बुरा होता है और विकेड का भी मतलब होता है, व्हेन समबडी इज मोरली रॉन्ग, समबडी इज रॉन्ग और बैड, इफ समबडी इज बैड ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड विकेड। सो विकेड अगर कोई है मतलब कि वो खराब है, उसके इरादे नेक नहीं है। यू शुड स्टे अवे, तुम्हें दूर रहना चाहिए फ्रॉम ऑल द बैड पीपल या फिर फ्रॉम ऑल द विकेड पीपल, सारे बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं फिर से भूल गया, I forgot again. Simple past का sentence है इसलिए forget की second form forgot आई है। I forgot again. मैं फिर से भूल गया। मुझे थोड़ा बुरा लगा। कभी कभी किसी बात का आपको बुरा लग जाता है तब आप ऐसा कह सकते हैं। I felt a little bad. A little bad का मतलब होता है थोड़ा बुरा लगा। Feel की second form felt. I felt a little bad. यानी थोड़ा बुरा लगा मुझे। लोग आते जाते उसे देख के हंस रहे हैं। आते जाते वक्त ना लोग जो भी उसके पास से गुजरे हैं ना उसे देख देख के हंस रहे हैं। हम कहेंगे पीपल आर लाफिंग एट हिम वाइल पासिंग बाय हिम। सो पहले तो हमने कहा पीपल आर लाफिंग एट हिम यानी लोग उस पर हंस रहे हैं। कब हंस रहे हैं? आते जाते यानी कि उसके आसपास जब वो जा रहे हैं ना तब हंस रहे हैं। वाइल पासिंग बाय हिम यानी कि उसके आसपास से जाते वक्त जब उसके पास से गुजर रहे हैं ना तब ऐसा हो रहा है कि वो उस पर हंस रहे हैं। पीपल आर लाफिंग एट हिम वाइल पासिंग बाय हिम। आप वाइल का यूज अच्छे से समझना चाहते हैं ना तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देखकर आप अच्छे से सीख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। मैं ही पहले बातचीत शुरू करता हूं। हमेशा बातचीत होती है लेकिन मैं ही सिर्फ बातचीत पहले शुरू करता हूँ, वो तो करती नहीं है या करता ही नहीं है। ओनली आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन फर्स्ट। सो बातचीत को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सेशन। ओनली आई का मतलब होता है सिर्फ मैं, स्टार्ट द कन्वर्सेशन फर्स्ट यानी कि पहले ना सिर्फ मैं ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ। तुम किसी जादूगर से कम नहीं हो। कभी कभी कोई ऐसी कमाल की चीज़ कर देता है तो हम बोलते हैं ना तुम किसी जादूगर से कम नहीं हो। इस तरह की बातें बोली जाती हैं जैसे कि वो किसी चोर से कम नहीं है, तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे देखिए आप। यू आर नॉट inferior टू अ magician. बींग inferior टू someone means being इन एनी वे लोअर देन हिम और हर। यू आर नॉट inferior यानी कि तुम कम नहीं हो, उससे कम नहीं हो। inferior के साथ हम preposition to का यूज़ करते हैं, inferior to a magician. magician बोलते हैं जादूगर को, यानी कि तुम एक जादूगर से कम नहीं हो। you are not inferior to a magician. अभी यहाँ पर किसी लिखा हुआ है तो आप में से शायद कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमने any क्यों नहीं लगाया। you are not inferior to any magician. तो हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर हम ऐसे लगा देते तो उसका मतलब बन जाता यू आर नॉट inferior टू एनी magician का मतलब है तुम इस दुनिया में किसी भी magician से कम नहीं हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार, हम तो बस ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम किसी एक जादूगर से कम नहीं हो। और हिंदी में हम जनरली ऐसे ही बोलते हैं तुम किसी जादूगर से कम नहीं हो। इंग्लिश में हमें बोलना है यू आर नॉट inferior टू अ magician यानी कि तुम किसी भी एक कोई भी एक ना जादूगर से कम नहीं हो। यानी कि जादूगर से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुझमें भी यार ऐसी क्वालिटीज है जस्ट लाइक अ magician। दरवाजे के पीछे छुप जाओ, दरवाजे के पीछे छुप जाओ, सिंपल से सेंटेंस है। हम कहेंगे हाइड बिहाइंड द डोर, हाइड बिहाइंड द डोर। ये कैलेंडर कहाँ टांगू, ये प्रॉब्लम बड़ी होती है जब नया कैलेंडर आता है ना, ये कैलेंडर कहाँ टांगू। वेयर डू आई हैंग दिस कैलेंडर, या आप कह सकते हैं वेयर शुड आई हैंग दिस कैलेंडर, या फिर वेयर शैल आई हैंग दिस कैलेंडर। शैल का भी यूज किया जाता है सजेशन लेने के लिए किसी से कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा करूं। शैल आई स्पीक, क्या मुझे बोलना चाहिए, शैल आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। शैल आई हैंग दिस कैलेंडर, वेयर शैल आई हैंग दिस कैलेंडर, कि मुझे इस कैलेंडर को कहाँ हैंग करना चाहिए। वही काम हमारा शुड भी कर रहा है और डू का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। वेयर डू आई हैंग दिस कैलेंडर, मैं इस कैलेंडर को कहाँ टांगू। वेयर डू आई हैंग दिस कैलेंडर, मैं इस कैलेंडर को कहाँ टांगू। दोस्तों इस तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।